उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। वहीं पिथौरागढ़ में ही हजारों लोग पहुंच गए हैं। प्रशासन के द्वारा लोगों के वापस आने पर उनके मेडिकल जांच की जा रही है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। सरकार का ये अदूरदर्शी निर्णय है, कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की कोई तैयारी नहीं। आप इतने लोगों को ला रहे हो, 1,87,000 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया है, इससे भी ज़्यादा लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? ये कहीं कोई सरकार की अपनी व्यवस्था नहीं है अभी तक। कैसे आप लाओगे, कैसे उनको गंतव्य में पहुँचाओगे, कहाँ उनको रखोगे, उनके खाने का इंतजाम क्या होगा, उनका रहने का इंतजाम क्या होगा, कहीं पर भी सरकार कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं कर रही। आप अभी पिथौरागढ़ के हाल देख लीजिए, पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल है, गांव घरों में भय का माहौल है। जहां भी लोग जा रहे हैं, गांव के लोग भय के वातावरण में जीवित हो रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग भयभीत हैं। लेकिन सरकार उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही, न सरकार कोई व्यवस्था उनके लिए कर रही, न आने जाने की व्यवस्था। लोग पैदल चल रहे हैं, जो यहाँ आए हैं यहाँ तक तो सरकार लाई है, उसके बाद वो सुदूर गांव में जिसने जाना है 50-50 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय कुमार जोग दंडे ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए हर व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रवासी बाहर से आए हैं, उनका क्योंकि उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, तो इंटरमीडिएट व्यवस्था के रूप में कहीं पर उनको रात में सिर्फ एक रात के रुकने की व्यवस्था की बात अगर थी तो हमने करा दिया था, और भोजन पानी का व्यवस्था भी हमने करा दिया था। और ये जो भी नागरिक निवासी आ रहे हैं, इनको अपने अपने गाँव में जाकर, अपने अपने नगर में जाकर, उनके लिए नगर पालिका जो ईओ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं, वो समस्त व्यवस्थाएं करेंगे, उसके बारे में हम पूरा सजगता से। एक तो अचानक ये लोग आ गए हैं, थोड़ा हमने कल आज इस पर हम अभी जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत चिंता की विषय है कि जो अव्यवस्थाएँ यहाँ पर हुई हैं। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज इस पर भी हमने संज्ञान में लिया है, अभी जिलाधिकारी से बात कर और तुरंत ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। मजदूरों के घर आने पर जहां प्रशासन मुस्तैद है, वहीं आम लोगों ने भी कमर कस ली है। लोग खुद के संसाधनों से क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। रुद्रप्रयाग के मदौला गांव के युवाओं ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए गांव में ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया, जहां प्रवासी मजदूरों के लिए हर व्यवस्था की जा रही है। देखिए सर, हमारे गांव में जो है कम से कम 40 से 45 लोग जो कि विभिन्न इस देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आएंगे, तो ये जो सारे संसाधन है ये हमारे संपूर्ण जो पूरे ग्राम सभा है कोटी मदौला, सब लोगों के सहयोग से ये सारे संसाधन हम यहाँ पर जुटा पाए हैं। क्योंकि एकमात्र अगर मैं अपने घर से ये सारा सब कुछ नहीं कर सकता था, तो इसमें जो मेन हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन नेगी जी हैं, संतोष नेगी जी, और अन्य भी जो ग्राम यहाँ पे हनुमान सिंह नेगी जी हमारे बड़े भाई साहब, हमारे चाचा जी श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी हैं, समस्त हमारे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है यहाँ कम से कम गाँव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है हमारे संपूर्ण ग्राम सभा ने तय किया है कि जो रेड जोन से जो हमारे गांव के जो प्रवासी लोग आएंगे उनको वहां पे रखने की व्यवस्था की गई। इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर टेलीविजन, पंखा, बेड के साथ ही चाय कॉफी की मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही लोगों के खाने पीने और नहाने की बेहतरीन व्यवस्था है। यहां पे से बाहर से आने वाले जो लोग हैं 30 से 40 लोगों के आने की संभावना है, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा सहयोग किया है। देश में इतनी बड़ी विपदा आ रखी है, जिसने हम सारे गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे एक क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर सारी आधुनिक सुविधाएं दी है, और टॉयलेट बनाए हमने यहाँ पे, पानी की व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, और यहाँ पे सुभाष भाई ज्येष्ठ प्रमुख अगस्त मुनि से उन्होंने CCTV कैमरा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे टीवी का केबिल लगाया है, जो कि कोई यहाँ पे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको किसी चीज़ की असुविधा ना हो, सारी सुविधाएं दी हमने उन लोगों के लिए, और उनके साथ हम सहयोग करेंगे। ये हमारा गांव की तरफ से देश के लिए एक छोटा सा प्रयास है जो हम मदद कर सके देश की। वहीं अल्मोड़ा में लगभग 18,000 प्रवासियों को घर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब तक 2200 के करीब लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। वहीं घर लौटे लोगों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन्हें अपने घर को रवाना किया जा रहा है। अभी तक हमारे पास लगभग 2200 लोग आ चुके हैं, और जिले के विभिन्न स्थानों में जो भी ब्लॉक हैं उनके गांव में हम पर्टिकुलरली भेज रहे हैं उनको, और गाड़ियों की व्यवस्था के लिए हमने मेनली रोडवेज आदि किया हुआ है,
और उसके अलावा केमो का सहारा भी ले रहे हैं। उसके अलावा जो बचते हैं जो गाँव तक भेजने हैं उनके लिए मैक्सी छोटी गाड़ियाँ और ये सब भी कर रहे हैं हम। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए घर वापस लौटे लोगों की जांच के साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।